हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्वीट सी रेसिपी लाई हूँ, क्योंकि होली है तो इसके लिए तो स्वीट सी रेसिपी चाहिए ही। तो चलिए देखते हैं क्या है रेसिपी का नाम। तो इसका नाम है बालूशाही। तो बालूशाही तो सब लोग जानते हैं कैसे बनता है, मार्केट में बहुत ईजिली मिल भी जाता है खाने के लिए, लेकिन इसको घर में कैसे बना सकते हैं इसको आज मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसी बाउल से सब मेजर किया, इसे 3 बाउल हमने ये आटा लिया। अगर कप से मेजर करेंगे तो 2 कप आटा है मैदा। और यहाँ पे देखिए हम देसी घी लिए हैं, देसी घी देखिए 1/2 बाउल है, इसी बाउल से हमने लिया है। और यहाँ पे बेकिंग पाउडर है, 1/2 स्पून बेकिंग पाउडर लिया हमने। इलायची पाउडर है, यहाँ पे केवड़ा जल है, देखिए केवड़ा वाटर ये हम चाशनी में डालेंगे। ये शुगर है, इसी बाउल से हमने 2 बाउल हमने इसको मेजर किया है। और कप से लेंगे मेजर करेंगे तो 1.5 कप होगा ये। और यहाँ पे वाटर है। तो सबसे पहले हम आटा लगाते हैं, इसका आटे का डो तैयार करेंगे। देखिए देसी घी से हम इसको मोइन लगाएंगे, मोइन खस्ता करने के लिए हमको इसको लगाना पड़ता है। तो अगर आप चाहिए तेल से भी लगाइए, लेकिन देसी घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बालूशाही में, इसलिए हम देसी घी यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको भी रिकमेंड यही करेंगे कि देसी घी ही आप डालिए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम ये पूरा 1/2 बाउल देसी घी डाल के इसको मोइन करेंगे। और बहुत हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा इसको दबा दबा के नहीं करना है, जिससे इसके लेयर बहुत अच्छे से बने। बालूशाही में सबसे अच्छा होता है कि अंदर तक पूरा चाशनी घुल जाए, उसके लेयर्स बनने चाहिए। इसलिए देखिए इस तरह से हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे, बहुत तेज से इसको रगड़ रगड़ के बाइंड नहीं करना है, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उस तरह से नहीं बाइंड करना है। हल्के हाथों से इसको इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ 2 कप आटा है और उसमें हमने 1/2 कटोरी हमने ये घी लिया है। कप से मेजर करिएगा तो 1/4 कप ही आपका घी आएगा, देसी घी 1/4 कप से कम ही रहेगा। ये देखिए, तो एक मेजरमेंट ले लीजिए, चाहे आप बाउल से मेजर करिए, कप नहीं आपके पास तो एक कोई भी बाउल ले लीजिए, उसी से मेजर करिए इक्वल अमाउंट में। जैसे हमने यहाँ पे लिया है, इस बाउल से हमने 3 बाउल हमने आटा लिया है और इसमें 1/2 बाउल घी डाल रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी मेजरमेंट ले लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको मेजर करिएगा। लेकिन इस तरह से हम हल्के हाथ से इसको पूरा मिक्स कर दिए और फिर इसको पानी से हमको डो बनाना है। इसको आप मिक्स करेंगे, इसके बाद इस तरह से बाइंड करेंगे तो आपका ये देखिए इस तरह से बाइंड होने लगेगा। आप समझ जाएंगे कि हमारा ये आटा तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको हम गूंथ रहे हैं आटा। देखिए इस तरह से हम पानी थोड़ा थोड़ा डाल के आटा गूंथेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी करके करेंगे, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, कम रहेगा तो उसको हम अपने अंदाज से इसको डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको आटे को डो को लगाना है। तो बहुत ही ना तो ये हार्ड बनेगा और ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, मीडियम में रहेगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा अंदाज करके डालेंगे हम, क्योंकि मोयन रहता है तो बहुत पानी नहीं लगता है। अगर हम इस बाउल से मेजर करेंगे तो बाउल से हमारा 1/2 बाउल ही पानी लगेगा। अभी देखिए इसको बता रहे हैं मोड़ के, तो हल्के हाथ से इस तरह से हम गूंथेंगे भी। अगर अंदाज नहीं है तो आप स्पून से करके डालिएगा पानी। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल गूंथ गया, आप देख सकते हैं इसको हमने बहुत ज्यादा इसको मैश नहीं किया था। देखिए हल्के हाथ से आटा भी गूंथा है और इस तरह से हाथ से हल्का सा हाथ में घी लगा देंगे, इस तरह से लगा के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इस तरह से करके देखिए सिर्फ 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दे रहे हैं। अब ये देखिए पानी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पूरा ये फुल ग्लास लिया था, इसमें आप देखिए 1/4 ग्लास ही लगाए। अगर बाउल से मेजर करेंगे तो 1/2 बाउल ही पानी लगा है। तो इस तरह से आप ये आटा गूंथिएगा और इसको ढक के 10 मिनट रेस्ट करना बहुत जरूरी है। इसको रख देंगे, फिर एक कढ़ाई रख रहे हैं चाशनी के लिए। तो कढ़ाई में हमने चीनी डाल देंगे, देखिए हमने इसमें 2.5 कप इसी बाउल से नापा था चीनी, तो 2.5 कप चीनी है इसमें हम देखिए इसी बाउल से ही नाप के डाल रहे हैं पानी। 2.5 कप चीनी है तो 2.5 कप यहाँ पे पानी भी इसी बाउल से 2.5 कप ही डाल रहे हैं, देखिए 2.5। अब इसको चीनी को मेल्ट हो जाने देते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाए। तो इसको गल जाने देते हैं चीनी को और फिर एक तार की चाशनी हम तैयार करेंगे। तो उधर हमारा आटा भी सेट हो जा रहा है। और आटे में देखिए मैं वीडियो में एक चीज़ दिखाना आपको भूल गई, क्योंकि उसमें वीडियो ऑन नहीं था।
कैमरा ऑन नहीं था, इसलिए इसमें जो बेकिंग पाउडर हमने लिया था हाफ स्पून, वो हमने बेकिंग पाउडर इसको आटे में ही, जब ड्राई आटा निकाले थे उसमें ही डाल दिए थे, उसके बाद हमने इसको गूंथा है। तो ये 10 मिनट के लिए रेस्ट हो रहा है, तब तक हमारा चाशनी भी तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस। ये देखिए हमारा चीनी एकदम बिल्कुल गल गया है, अब इसको और उबाल आने देते हैं, क्योंकि एक तार की चाशनी में चाहिए तो इसमें उबाल हो जाए। इसमें देखिए अगर थोड़ा सा कलर डालते हैं, क्योंकि हलवाई लोग इसमें थोड़ा येलो कलर डालते हैं, यहाँ पे हम बहुत ही एक वन पिंच से येलो कलर डाल रहे हैं। अगर आप कलर नहीं चाहते तो प्लेन भी बना सकते हैं, इस तरह से देखिए हल्का सा डाल रहे हैं, इससे बालू शाही का कलर बिल्कुल मार्केट जैसा है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। और चाशनी में ध्यान दीजिए, जिस भी मेजरमेंट से करेंगे इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, जितना चीनी लेंगे उतना पानी लेंगे, और फिर इसको एक टाइप की चाशनी बनाएंगे। इसमें हमें केवड़ा जल भी डाल देना है, यहाँ पे हाफ स्पून केवड़ा जल डाल दे रहे हैं, इलायची पाउडर मिल गया है हाफ स्पून में डाल दे रहे हैं, अब इसको एक तार की चाशनी बनने तक थोड़ा सा इसको 5 मिनट के लिए इसको उबाल आने देते हैं। 5 मिनट में हमारी एक तार की चाशनी बनके तैयार हो जाएगी, आंच बिल्कुल मीडियम टू हाई है। इधर चलिए आटा हमारा सेट हो गया, देखिए आटा भी हो गया 10 मिनट इसको, तो ये सेट हो गया। अब चलिए इसका हम बालूशाही बनाते हैं, देखिए कितना अच्छा सा ही बढ़िया खस्ता बनके तैयार हुआ है। अब इसके बालूशाही बनाने के लिए देखिए इस तरह से हम हाथ से इसको बढ़ा लेते हैं, या फिर बेलन से भी आप बढ़ा सकते हैं। इसको हम लेयर में बनाएंगे, तो पहले हम आधा डो लिए हैं, आधे डो का बना रहे हैं, फिर और आधे डो का बनाएंगे। तो इस तरह से इसको बेल लेंगे एक बार, फिर इसको एक लेयर और दे देंगे, इस तरह से 4 बार हम इसको लेयर देंगे, इसको बेलेंगे इस तरह रेक्टेंगुलर शेप में, इसको बेल देंगे। इसको हाथ से भी इस तरह से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आटा हमारा सॉफ्ट है, देखिए इस तरह से बढ़ा सकते हैं। और फिर इसको फिर एक बार करिए, तीसरा परत हो गया, फिर इसको इस तरह से बढ़ा के रेक्टेंगुलर शेप में हम बढ़ा लेंगे। बेलन की भी आप हेल्प ले सकते हैं बीच बीच में, देखिए इस तरह से बढ़ा लेंगे। तीसरा हो गया, चौथा पर्त भी इस तरह से फोल्ड कर देने, देखिए इस तरह से फोल्ड हो गया, 4 पर्त बन गया। अब इसको हम फाइनल देंगे, इस तरह से करेंगे, 1.5 इंच की मोटाई में इसको हम बेलेंगे। ये देखिए हमने इसको बेल दिया, देख सकते हैं 1.5 इंच की मोटाई में हमने बेला है। अब इसको हम इस तरह से नाइफ से कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से इक्वल साइज के कट करेंगे इस तरह से, और एक एक का इस तरह से हम बना देंगे इसको, जैसे बनाते हैं चकली बिल्कुल ऐसे दबा देंगे, देखिए इस तरह से दबा के इसको अच्छे से, इसके फिर ये जो इसका एंड है इसको भी दबा देंगे, जैसे चकली बनाते हैं इस तरह से चकली बना देंगे, देखिए इस तरह से दबा दिए, और बीच में इस तरह से होल कर देंगे, पूरा नीचे तक का होल होना चाहिए दोनों तरफ से, देखिए इस तरह से होल करके कि पूरा होल ये बनाना जरूरी है, क्योंकि इसमें चाशनी अच्छे से बन जाता है। इस तरह से होल आप ही बनाइएगा, और इसको अच्छे से इसको दबा दीजिए चकली में, ये देखिए बन के हमारा तैयार हो गया। ऐसे ही हम सारे बनाएंगे, इस तरह से इसको मोड़ लेंगे, इस तरह से देखिए फोल्ड करके इसके एंड वाले पार्ट को इस तरह से आप करके इसको चिपका दीजिए इस पे ऐसे, और फिर इसको ऐसे दबा दीजिए जैसे चकली बनती है बिल्कुल इस तरह से, देखिए चकली बना दिए, इसको दबा के इस तरह गोल सा करके, और फिर इसमें हम ऐसे होल बना देंगे, देखिए इस तरह से, देखिए बन गया दोनों साइड से होल, देखिए दोनों साइड से होल इस तरह से
बना दे रहे हैं, इसको फिर मैं ऐसे रख देंगे। इस तरह से हम सारा बालू से ही बना देंगे। ये देखिए हमारा चाशनी तैयार हो गया। अब इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे थोड़ा सा इसमें से बाउल में निकाल लेंगे। इसको इस तरह से हम लेके इसे हाथ में और इस तरह से थंब पे रख के इस तरह से चेक करेंगे। देखिए इस तरह से तार निकल रहा है, ये देखिए एक तार निकल रहा है, यानी हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। देखिए इस तरह से करेंगे तो इस तरह से तार निकलेगा, ये यानी हमारा चाशनी तैयार हो गया। तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं, क्योंकि चाशनी बिल्कुल गर्म गर्म नहीं यूज़ करना है, हल्का गुनगुना ही यूज़ करना है। तो हमारा चाशनी तैयार हो गया, हम इसको गैस को ऑफ करके इसको रख दे रहे हैं एक साइड में। इधर हम अपना ये बालू शाही तैयार कर रहे हैं, तो तैयार हो जाता है। फिर हम आपको दिखाते हैं इसको किस तरह से हमें इसको फ्राई करना है। तेल एक तरफ कढ़ाई में रख दिया है गर्म होने के लिए, फिर हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। ये देखिए हमने सारे बालू शाही बना के तैयार कर लिया। देखिए इतने आटे में हमने देखिए इतना 14 बालू शाही बनाया है। और देखिए इधर हमने कढ़ाई रख दिया है, गर्म हो गया है तेल हमारा अच्छे से। तो मीडियम आंच पे ही हम इसको फ्राई करना है, बहुत तेज गर्म ऑयल हमें नहीं चाहिए। तो मीडियम आंच पे इधर मीडियम पे करके इसको ऑयल को फ्राई करना है। ये अपने आप से इसको ऊपर आने देना है सबसे पहले, इस तरह से जितना बालू शाही आसानी से आ जाए आपके कढ़ाई में उतना आप डालिए। आंच को बिल्कुल मीडियम पे करके इसको तलेगा, नहीं तो बीच में कच्चा ही रह जाएगा। तो आंच को एकदम मीडियम पे करके इसको करना है। इस तरह से सारा डाल देंगे, अपने आप ऊपर जब आ जाएगा तब हम इसको पलटेंगे। देखिए आप देख सकते हैं सब ऊपर आ गया अपने आप। अब हम इसको एक एक करके इस तरह से टर्न कर देंगे। और देखिए सारे लेयर इसकी कितने अच्छे से सब खुल के आए हैं, इसमें कितनी अच्छे से चाशनी बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। बिल्कुल आप मार्केट से जैसे खाते हैं बालू शाही बिल्कुल वही आपको फ्लेवर और टेस्ट सब एकदम ऐसे ही आएगा। ये बहुत ही अच्छा बनता है, इस तरह से आप बनाइए। तो देखिए इस तरह से टर्न कर दे रहे हैं, अपोजिट साइड से भी इसको हल्का सा ब्राउन जाने देते हैं। और आंच को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि एकदम अच्छे से पक गया है, क्योंकि धीमी आंच पे हमने इसको सेका, पूरा अपने आप से ऊपर आ जाएगा तभी इसको टर्न करिएगा। देखिए सारा इस तरह से हम टर्न कर दे रहे हैं, अपोजिट साइड से भी ब्राउन हो जाता है। फिर हम इसको सीधे डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे। चाशनी भी देख लीजिएगा हल्का गुनगुना होना चाहिए, अगर ठंडा हो गया तो थोड़ा सा आप उसको गुनगुना कर दीजिए। ये देखिए दोनों साइड से, अब ये देख सकते हैं इसका कलर, देखिए इसका कलर बिल्कुल ब्राउन हो गया, लाइट ब्राउन। तो हमें ऐसा ही कलर चाहिए। तो ये हमारा तैयार हो गया, हम इसको इस तरह से एक एक करके उठाएंगे, इस तरह से डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। चाशनी हमारी अभी गुनगुनी है इसलिए उसको गर्म नहीं करना है, इस तरह से डाल देंगे इसको डायरेक्ट। इसको 5 से 7 मिनट तक चाशनी इस तरह से छोड़ देंगे डाल। डाल देते हैं इसको चाशनी में अच्छे से अलट पलट के 5 से 7 मिनट तक चाशनी में रहने देंगे, जिससे अच्छे से चाशनी इसमें सूख कर जाए। जब अच्छे से सूख कर लेगा तो अंदर तक अच्छे से भीग जाएगा। तो इस तरह से अलट पलट के इसको 5 से 7 मिनट तक चाशनी में छोड़ देते हैं। एक साइड से पहले कर दीजिए 5 से 7 मिनट, फिर इसको 1 से 2 मिनट तक इसको अपोजिट साइड से भी कर दीजिए, इससे दोनों साइड से अच्छे से भीग जाए। चाशनी का ध्यान दीजिए, हल्का गुनगुना चाशनी होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा चाशनी नहीं चाहिए। इस तरह से देखिए टर्न कर दे रहे हैं। ये देखिए हमने इसको प्लेट में सर्व कर दिया है, अच्छे से इसमें चाशनी भीग गया। हम आपको एक तोड़ के दिखाते हैं, इसके अंदर चाशनी बहुत ही अच्छी तरीके से भीग गया। अब आप इसको तोड़िएगा, देखेंगे इसमें पूरा अंदर तक इसमें चाशनी बिल्कुल अच्छे से भीग गई है। देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा टेक्सचर में बनके तैयार हुआ है। तो आप इसी मेथड से इसको जरूर बनाइएगा बालू शाही, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस तरह से घर में आप बनाइए और बिल्कुल हाइजेनिक घर में बनता है। अगर आप कलर नहीं यूज़ करना चाहते तो मत डालिए, उसकी जगह आप केसर डाल सकते हैं और कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस तरह से ऊपर से गार्निश करके आप इसको इंजॉय करिए। तो आज का वीडियो अगर आपको हमारा अच्छा लगा हो और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकन है, उसे दबाना मत भूलिए। तो इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ थैंक यू।